बेशर्मी की हद है। एक और मैंने व्हीकल पकड़ा, स्कूल बस है जिसमें कि उल्टा राष्ट्रीय ध्वज लगाया हुआ है। हेलो, एक घंटे को सीधा लगाया कि एफआईआर कराओ भी? एक घंटा सीधा लगाया कि एफआईआर करवाओ? सीधा कर रहे हैं भाई साहब, उल्टा हो गए। अरे सीधा करो, साइड में सीधा करना है। राहुल फोन राष्ट्रीय ध्वज से उतार तो लिया, सीधा कर रहा है, लेकिन देखने की बात यह कि ऐसे देश के गधों को, बेवकूफ़ों को कौन समझाएगा। ऐसे लोगों के ऊपर सीधा एफआईआर होनी चाहिए, जिनको जेल भेजना चाहिए। दो चार पाँच दस जाएंगे तब सब लोगों की अकल ठिकाने आएगी। किस दिन ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से किसी का कुछ काम हो जाए। अभी मैं बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। जस्ट अभी मैंने जो है यहाँ पर देखा कि 15 अगस्त ख़त्म हो गया, माता पिता ने ये क्या हाल कर रखा। देखो यो कहते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में बैठ के तिरंगे की ये इज्जत है जो कर रखी है। तो 15 अगस्त ख़त्म हो गया, माता ने नीचे डाल दिया। देख अभी 15 अगस्त को बीते हुए कुछ घंटे ही बाकी हुए हैं। अभी 16 अगस्त की सुबह के तकरीबन 6 बजे हैं जब मैं बेटी को छोड़ने के लिए स्कूल जा रहा था, तो गाड़ी रोक के वापस इसीलिए आना पड़ा मुझे। ये हरकत देख के मतलब शर्म आती है ऐसे घटिया लोगों के ऊपर। यार कहाँ से पैदा होते हैं ऐसे लोग हमारे देश में? सालों को जेल के अंदर ठूस देना चाहिए कोई ऐसे बंदों को पकड़े या देखे तो। पहले तो मैं उसका जो है ना हुलिया बिगाड़ दूं, उसके बाद कुछ कानूनी कार्रवाई करूं। तो ये औकात है यार, बार बार कह रहे हैं कि इसका सम्मान करो, सम्मान नहीं करना तो तिरंगे को अपने घर पे मत लाओ, अपनी गाड़ियों पे मत लगाओ। पर कुछ बेशर्म लोग इस लेवल पे उतर आए हैं जो भी आपको मैंने दिखाया। हद होती है यार बेशर्मी की। हर घर तिरंगा की मुहिम को सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझे लगता है कि देश के हर एक व्यक्ति को जागरूक करना, एजुकेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर ये रोटी खाने के लिए तो किसी ने एजुकेट नहीं किया, सारे उल्टे काम करने के लिए किसी ने एजुकेट नहीं किया। देशभक्ति राष्ट्रहित में काम करने के लिए एजुकेशन की जरूरत पड़ गई, इतना लोगों को नहीं पता। वीडियो को शेयर कीजिएगा जनहित में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा राष्ट्रहित में देशहित में। जय हिंद, वंदे मातरम।